हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये बॉर्डर हमारा इस तरीके से दिखाई देता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बॉर्डर है। फ्रेंड्स, इस बॉर्डर की सबसे बड़ी खासियत है ये बॉर्डर हमारा फैलता नहीं है। जैसा आपको अभी दिखाई दे रहा है इसी तरीके से हमारा बॉर्डर रहेगा। ये बॉर्डर हमारा बिल्कुल भी नहीं फैलता है। सीधी साइड से हमारा बॉर्डर ऐसा दिखाई देता है और उल्टी साइड से ऐसा दिखाई देता है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये बॉर्डर का पैटर्न हमारा बहुत ही आसान है, सिर्फ एक ही लाइन का डिजाइन है। जैसा हम सीधी तरफ से बनाएंगे उल्टी साइड से भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप फंदे डाल लीजिएगा, जितने भी फंदे आपको चाहिए उतने फंदे आप डाल लीजिएगा। फंदे डालने के बाद जो फर्स्ट रो मैंने यहाँ से बनाई है इसी रो को अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। सिर्फ एक ही लाइन का डिजाइन है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारे बॉर्डर की फर्स्ट रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे। इस फंदे को हमने उल्टा बुनना है, धागा अपनी तरफ लाएंगे। इस फंदे को हमने ऐसे उल्टा नहीं बुनना है, फंदे के पीछे वाले धागे में हमने सिलाई को डालना है और इस तरीके से हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हमने सीधा बुनना है। सीधे फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, इस फंदे को हमने उल्टा बुनना है। उल्टे फंदे को हम ऐसे नहीं बुनेंगे, उल्टे फंदे को हमने पीछे की तरफ से ऐसे लेना है। देखिएगा, और इस तरीके से हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, सीधे फंदे को हमने ऐसे बुनना है बैक लूप से। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को हमने बैक लूप से सीधा बुनना है। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। फ्रेंड्स, उल्टे फंदे को देखिएगा, हमने इस तरीके से बुनना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, उल्टे फंदे को हमने इस तरीके से उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, उल्टे फंदे को हमने इस तरीके से उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, उल्टे फंदे को हमने इस तरीके से उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे पीछे की तरफ से। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे बैक लूप से, धागा अपनी तरफ लाएंगे, उल्टे फंदे को हमने इस तरीके से उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे जैसे कि हम नॉर्मली बुनते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉर्डर की एक सिलाई बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी उल्टी साइड है। सबसे पहले आज के फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न वैसे ही चलेगा जैसे कि हमने इधर बनाया था। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है ना। उल्टे फंदे में हमने क्या करना है, पीछे की तरफ से सिलाई को डालेंगे अपनी तरफ को और इसको हम उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे पीछे की तरफ से। धागा अपनी तरफ लाएंगे, उल्टे फंदे को हमने पीछे की तरफ से सिलाई को डालना है और इस तरीके से उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, सिलाई को हम पीछे से अपनी तरफ को लाएंगे इस तरीके से और इसको हम उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे,
एक फंदा सीधा बुनेंगे पीछे की तरफ से, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे जैसे कि हम नॉर्मली उल्टा बुनते हैं। यहाँ पे बॉर्डर की बैक साइड भी बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना आसान सा बॉर्डर का पैटर्न है, सिर्फ एक ही लाइन का डिजाइन है, दोनों तरफ से हमने एक जैसा बुनना होता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा बॉर्डर बन के दिखाई देगा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा बॉर्डर का पैटर्न है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, देखिएगा फ्रेंड्स कितना आसान और कितना प्यारा सा बॉर्डर का डिजाइन है। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का ये बॉर्डर का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि जरा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।